हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम सचिन, आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं, वो है रीजनिंग का। रीजनिंग का पहला लेक्चर है ये। इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि क्लॉक, और ये जो है ये रेलवे NTPC हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इसमें इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, आप कहीं पे भी नहीं अटकेंगे। और अगर आप अटकेंगे तो आप कमेंट में ज़रूर ज़रूर कमेंट में आप हमसे सवाल पूछिए। आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते, और बिल्कुल भी आप कमेंट में सवाल नहीं पूछते, इसलिए हमें मोटिवेशन मिलती है अगर आप कमेंट में करते हैं, हमसे पूछते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को। तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और वीडियो डालने के लिए, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप अगर हमारे साथ देंगे, आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लॉक। रीजनिंग का पहला टॉपिक है और पहला लेक्चर है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको पूरी तरह से आ जाए कि ये टॉपिक किस पर बेस्ड है। क्लॉक में हमारे पास चार तरह के क्वेश्चन आते हैं, चार तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला टाइप है इमेज का। इमेज का टाइप है यानी कि मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में पूछा जाता है सवाल में, कि जो भी एक घड़ी है उसका टाइम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि अगर मिरर लगा दिया जाए तो फिर क्या टाइम होगा, उस मिरर इमेज में क्या टाइम शो करेगा। तो इसमें हमें तीन चार चीज़ों का हमें रखना पड़ता है ध्यान, और उसमें एक चीज़ ये है कि जो हमारे नंबर्स हैं क्लॉक के अंदर, वो क्लॉक के अंदर मिरर इमेज के अंदर वो चेंज नहीं होते। बस चेंज जो होती है वो डायरेक्शन चेंज होती है, जो हमारी मिनट हैंड है, जो आवर हैंड है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। और इसमें दूसरी टाइप की जो इमेज बनती है वो वाटर इमेज बनती है। वाटर इमेज और मिरर इमेज में सिर्फ ये डिफरेंस है कि मिरर इमेज में टॉप और बॉटम की जो पोजीशन है वो तो सेम रहती है, लेकिन लेफ्ट और राइट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। यानी कि लेफ्ट जो है वो राइट में चला जाता है, राइट जो है वो लेफ्ट में चला जाता है। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में लेफ्ट राइट की पोजीशन सेम रहती है और टॉप बॉटम की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज होती है, ठीक है। अब मिरर इमेज जो है इसमें एक एक हमारा कंसेप्ट है कि जो हमारा एक्चुअल टाइम होता है और मिरर इमेज का जो टाइम होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये किस तरह से बनते हैं और ये हम जानेंगे। जैसे अगर आपकी घड़ी में एक्चुअल वॉच में 9 बज रहे हैं और आप उसकी मिरर इमेज देखेंगे तो आपको 3 बजते हुए दिखाई देंगे, और अगर आप 10 बज रहे हैं आपकी एक्चुअल क्लॉक में तो आपको मिरर इमेज में 2 बजते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आपके 12 बज रहे हैं आपकी वॉच में, तो आपकी जो मिरर इमेज वाली वॉच है उसमें भी 12 ही बजेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर दोनों जो हैंड है, मिनट हैंड और आवर हैंड, वो अगर 12 पे ही है, ठीक है, तो मिरर इमेज में भी वो 12 पे ही होंगे। अगर 8 o'clock हो रहा है आपकी वॉच में, तो मिरर इमेज में भी आपको 4 o'clock नजर आएगा, ठीक है। और अगर एक्चुअल टाइम जो है आपकी वॉच में 7 o'clock है, तो मिरर इमेज में आपको 5 o'clock नजर आएगा, ठीक है। अगर 6 o'clock है तो आपको 6 o'clock ही नजर आएगा, क्योंकि 12 और यानी कि 12 o'clock और 6 o'clock में कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में जो डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने कहा कि मिरर इमेज में टॉप बॉटम की पोजीशन जो है वो सेम रहती है, तो इसी वजह से 6 o'clock और 12 o'clock का जो टाइमिंग है उसमें दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। अगर 8:20 अगर आपके वॉच में
3 o'clock है तो 9 o'clock आपकी मिरर इमेज में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है, मिरर इमेज के लिए ट्रिक ये है कि आपको या तो जो न, आपको नंबर दिया जाता है, पहली बात आपको जो वॉच है जो क्लॉक है उसकी उसका डायग्राम आपको दिया नहीं जाएगा, आपको सिंपल जो है सीधा सीधा आपको टाइम दे दिया जाएगा और उसके बेस पर आपको मिरर इमेज टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप अगर आप दिमाग लगाएंगे, आप इसमें वॉच बनाएंगे, फिर आप आवर हैंड बनाएंगे, फिर आप मिनट हैंड बनाएंगे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसकी ट्रिक सिंपल सी ये है कि आप जो भी टाइम दे रखा है उसको या तो 12 o'clock में से सबट्रैक्ट कर दीजिए या फिर 11:60 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो उसमें आपका जो टाइम है, जो मिरर इमेज का टाइम है, वो आपको पता लग जाएगा। अब इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि हमारा जो हम जो है हमारी जो वॉच है उसको हम 12 o'clock तक कंसीडर करते हैं, और अगर जैसे मान लो रात के 23 बज रहे हैं, रात के 22 बज रहे हैं, तो पहले आप उनको 12 आवर्स यानी फॉर्मेट में चेंज करेंगे। 12 आवर्स फॉर्मेट में चेंज करके फिर आप उसको या तो 11:60 में से या 12 o'clock में से आप सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है। अब इसी के ऊपर एक 3-4 क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे अगर आपकी मिरर इमेज में 8:30 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं, तो 8:20 हो रहे हैं, तो उसमें आपको जानना है कि जो एक्चुअल टाइम है वो क्या होगा, एक्चुअल टाइम है वो क्या होगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम 11:60 में से हम माइनस कर देंगे 8:20 को। 11:60 में से जब हम 8:20 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 3:40, 3:40 मिलेगा। तो हमारा जो मिरर इमेज था वो 8:30 का था, और जो एक्चुअल टाइम होगा वो कितने का हो जाएगा, 3:40 का, ठीक है। अब मिरर इमेज दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जो मिरर इमेज का टाइम दे रखा है वो 1:47 है, और तो फिर इसका जो एक्चुअल टाइम है वो क्या होगा, इसको भी हम क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे। अब 11:60 में से माइनस क्यों किया, क्योंकि जो 47 है, 47 जो है वो 0:00 में से घटाया नहीं जा सकता, 0:00 में से घटाया नहीं जा सकता, इसलिए हमने इसको 11:60 लेके चले। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो 12 है, 12 o'clock है, इसमें से हम 147 को नहीं घटा सकते, क्योंकि 0:00 है इसलिए हम नहीं घटा सकते, क्योंकि 0 से बड़ा है 47, इसलिए हम इसको क्या मान के चलते हैं, हम इसको मान के चलते हैं 11:60, ठीक है, 11:60, 11:60 हम इसको मान के चलते हैं। तो इसमें से हम इसको घटाते हैं और फिर हम एक्चुअल टाइम को जान सकते हैं। जैसे अगर 1 आवर 47 मिनट्स का अगर टाइम है तो 10:13 उसमें हो रहे होंगे, ठीक है। अगर मिरर इमेज पूछा जाए 22:29 का अगर पूछा जाए, या फिर 22:22 का पूछा जाए, तो आप उसको पहले किसमें कन्वर्ट करोगे, उसमें उसको आप 12 आवर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद 11:60 में से आप उसको माइनस करोगे, तो आपका जो मिरर इमेज टाइम है वो आ जाएगा। अब अगला जो है 12:30, अब 12:30 है तो इसको हम कैसे करेंगे, 12:30 को आप पहले जीरो, 12 को आप 0 मान लीजिए और 30 को एज इट इज रहने चाहिए, रहने दीजिए, क्योंकि 12 को हम 0 भी लिख सकते हैं। अगर आप रात को देखेंगे तो कई बार आपकी जो वॉच में, डिजिटल वॉच में 0:00 दिखाते जब वो रात के 12 बज जाते हैं, तो इसलिए आप 12 को 0 भी
लिख सकते हैं, ठीक है। तो 11:60 में से हम माइनस करेंगे जीरो आवर्स 30 मिनट को, तो ये आ जाएगा 11:30, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 11:30, मिरर इमेज टाइम, सॉरी मिरर इमेज टाइम कितना हो जाएगा, 11:30। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन में मिरर इमेज पूछी हुई है 6:50 की, तो बस इसको भी हम 11:60 में से माइनस कर देंगे, तो 5 आवर्स 10 मिनट्स का हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। 5 आवर्स 10 मिनट्स का हमारा टाइम आ जाएगा। वाटर इमेज के बारे में हम जानेंगे। वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में हमारा जो इमेज बनती है वो हॉरिजॉन्टली बनती है। तो इसमें हमारा, मैंने बताया जैसे कि टॉप और बॉटम की जो पोजीशन है वो तो बदलेगी, वो तो इंटरचेंज होगी, और जो लेफ्ट राइट की पोजीशन है वो क्या होगी, वो सेम रहेगी, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो 12 बज रहे हैं, ठीक है, अगर 12 o'clock टाइम हो रहा है हमारी एक्चुअल वॉच में, तो अगर इसको हॉरिजॉन्टली हम पुट करेंगे तो इसमें 6:30 का टाइम हो रहा होगा, ठीक है, 6:30 का टाइम हो रहा होगा। इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे का कंसेप्ट यह है कि हर 18:30 यानी कि 6:30 के बाद, हर 6:30 के बाद हमारे जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें भी हमें सिर्फ नंबर्स को जो है हमारे वॉच में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हम एज इट इज मानेंगे, उनको हम चेंज नहीं करेंगे, बस जो हमारी आवर हैंड है और मिनट हैंड है उनकी जो डायरेक्शन है वो ही चेंज होगी, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है जो भी हमें टाइम दिया जाता है उसको हम या तो 18 आवर्स 30 मिनट में से माइनस करेंगे, या फिर 17 आवर्स 90 मिनट में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ टाइम को कंसिडर करना है, और इस टाइम को हम हमेशा 12 आवर्स की फॉर्मेट में लेंगे, 24 आवर्स की फॉर्मेट में हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे 8:20 की अगर वाटर इमेज निकालनी है तो 18 घंटे और 30 मिनट में से हमें इसको घटा देंगे, तो हमारा जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 10:10, ठीक है। ये हमारा टाइम आ जाएगा वाटर इमेज में, हमारा टाइम दिखेगा 10:10। अब हमारा जो वाटर इमेज है 1:30 का, वो उसमें क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे, 18 घंटे 30 मिनट में से 1 घंटे 30 मिनट घटा देंगे, तो हमारा टाइम आ जाएगा 17 घंटे, ठीक है। तो यानी कि 17 घंटे यानी कि 5 o'clock का हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे वाटर इमेज निकालनी है हमें 1:50 की, तो 1:50 ये 18 घंटे 30 मिनट में से नहीं घटा सकते, क्योंकि जो 50 है वो 30 से बड़ा है, तो इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करके चलेंगे, इसको 17 घंटे 90 मिनट कंसिडर करके चलेंगे, और फिर उसको उसमें से 1:50 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16:40, यानी कि 4:40 हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये मैं आपको और बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि जो वाटर इमेज बनती है उसमें हमारा एक्चुअल टाइम नहीं होता, ठीक है, हम एक्चुअल टाइम नहीं लगा बता सकते, हम अप्रोक्सीमेट टाइम बताते हैं, लेकिन जो मिरर इमेज होती है उसमें हम अप्रोक्सीमेट टाइम सॉरी एक्चुअल टाइम बता सकते हैं, यानी कि जो हमारा क्लियर टाइम है यानी कि पूरा पूरा जो समय है वो हम बता सकते हैं, लेकिन वाटर इमेज में हम नहीं बता सकते, इसमें हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो जैसे अगर मान लो 4:30 हो रहा है, ठीक है, 4:30 हो रहा है या फिर 2:30 हो रहा है, तो इसकी अगर हम वाटर इमेज बनाएंगे तो वाटर इमेज बनाने के बाद इसमें 4 या 5 के बीच में जो आवर हैंड की सुई है वो आती है, ठीक है। एक्चुअल में वो ना तो कम्प्लीटली 4 पे आती है, ना ही कम्प्लीटली 5 पे आती है, वो कम्प्लीटली दोनों के बीच में आती है, तो इसलिए हम कंफर्म नहीं बता सकते कि भाई 4:30 हुआ है या 5:30 हुआ है, ठीक है। अगर वो तो डिजिटल क्लॉक की तो अलग बात है, वो तो बता ही देगी, लेकिन हम इस
इस तरह की क्लॉक में हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगर आपके एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन में है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में है, तो आप दोनों में से बड़े वाले का यानी कि जो ग्रेटर होगा उस टाइम को आप टिक करके आएंगे, लेकिन जो छोटे वाला यानी कि स्मॉलर वाला होगा उसको आप टिक करके नहीं आएंगे, ठीक है। अब वाटर इमेज हो गया। अब जो एंगल का इमेज है वो हम कल करवाएंगे, कल हम आपको करवाएंगे, कल आपको करवाएंगे। आप हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप हमारी वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को पूरा देखें ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आप तक अच्छे अच्छे कंसेप्ट पहुंचाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।